वेलकम बैक गाइस टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल मैं अपनी बाइक में कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है डॉट इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स मैंने अमेजोन से लिए हैं जो कि मुझे पड़े अराउंड 900 के चार, मतलब 450 का पेयर। और इसकी क्वालिटी जो है एकदम लाजवाब है। बिल्ड क्वालिटी वाइज ये पूरे हैवी हैं, मेटल के बने हुए हैं। जस्ट एक चीज़ की दिक्कत है कॉन्टिनेंटल जीटी के यूजर्स के लिए, अगर तुमको ये लगाना है तो तुम्हें कुछ इस तरह के क्लैंप्स लगाने पड़ेंगे अपनी बाइक पे। जो ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पे, इस तरह क्लैंप मैंने वेल्डिंग की दुकान पे जाके आराम से बनवा लिया और पेंट मैंने इसे खुद कर लिया आराम से। बाकी अब बात रहती है इंस्टॉलेशन की, तो वो मैं जाके किसी मैकेनिक या मॉडिफिकेशन वालों के यहाँ पे जाके कराऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी तार का कटने का सीन रहता है और मैं बिल्कुल यहाँ पे अपनी बाइक से छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बार एंड में इंडिकेटर्स लगवा रखे हैं। तो तारों का सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इस टाइम, इस वजह से मुझे इसको छेड़ने में काफ़ी डर लग रहा है। तो जाके सिंपली एक किसी मैकेनिक से जाके इसको कराते हैं, देखते हैं फिर इसके रिजल्ट। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, जस्ट इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा और लास्ट में तुम्हें इसके रिजल्ट दिखा दूंगा। तो डू वॉच आउट द वीडियो टिल द एंड। तो अब चलते सीधा इंडिकेटर को इंस्टॉल करें। और इसी के साथ जो मेरे पास JD कस्टम की टेल लाइट पड़ी थी 2 महीने से, उसको भी मैं इंस्टॉल करा लेता हूँ क्योंकि स्टॉक इंडिकेटर्स के साथ ये नहीं जाने वाली थी। तो अब अपना लास्ट इंडिकेटर लगने वाला है, तो तुम फिजिकली देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। राइट साइड पर अपना डॉट लगा है और लेफ्ट साइड पर अपना स्टॉक है। तो चलो सीधा चलते हैं और रिजल्ट्स को देखते हैं कैसे ये दिख रही है। तो यही थे रिजल्ट्स की डॉट इंडिकेटर्स किसी भी बाइक में कितने अमेजिंग लग सकते हैं। तुम्हें कैसे लगे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम्हें भी ये लेने हैं तो अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।